हम जो भी आपको पढ़ाएंगे ये हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगा, मतलब हम रिकॉर्ड, ये हमारा रिकॉर्ड होगा और ये आपको हमारे ऐप के भगत टेक्नो ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पे, यहाँ से आपको ये सभी चीजें मिलेगा, भगत टेक्नो ऐप। हम आपको इसके साथ हमारे नोट्स, बायर एंड सेलर के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, जो स्टेप बाय स्टेप आपको नोट्स मिलेंगे हमारे ट्रेनिंग के बाद। और जो भी हमारे पास फॉर्मेट रहते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉर्मेट, जैसे एक्सपीरियंस और भी बिल्ड कैपेसिटी, जो भी एक नॉर्मल टेंडर के लिए जो भी फॉर्मेट्स लगते हैं टेंडर के लिए, वो सभी चीजें फॉर्मेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यह छोड़ के भी आपको कभी कोई टेंडर में आपको फॉर्मेट की जरूरत होती है तो फॉर्मेट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो भी आपको फॉर्मेट आपको आगे लगता है। रही बात सपोर्ट्स की, तो हमारे पास सपोर्ट्स, आपको एक व्हाट्सएप के ग्रुप है जहाँ पे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, तो आप जब भी कोई प्रॉब्लम रहेगा आप वहां पे शेयर करेंगे अपने प्रॉब्लम, हम आपको वहां पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब आपको बहुत अर्जेंट है और हमारे पास भी टीम के पास टाइम हुआ, तो हम आपका प्रॉब्लम एनालिटिक्स लेके भी हो सकता है सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपको अपना आईडी एंड पासवर्ड मुझे शेयर करना पड़ेगा, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। इसके छोड़ के हम आपको मंथली, हर एक मंथ में एक डाउट क्लियरिंग क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आप लोगों के लिए, वहां पे आप अटेंड करके भी अपने आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ये हमारे तरफ से आपको आगे के सपोर्ट्स रहेंगे, ये हमारे तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा भगत टेक्नो के तरफ से। और अभी यदि हम सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में देखिए क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। सिलेबस में जनरली हम लोग बायर एंड सेलर यहाँ पे दोनों पार्ट कवर करते हैं। पहले सेलर की बात करते हैं, सेलर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सेलर में सबसे पहला आता है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे बायर ने सेलर दिखा रहा है तो हम सबसे पहला सेलर का रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एज ए सेलर आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दो टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो पहले हम लोग प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करते हैं, बाद में सेकेंडरी यूजर कैसे बनाएंगे ये भी हम आपको यहाँ पे बता दें। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप यदि रजिस्ट्रेशन आपका हो गया तो उसके बाद आपके प्रोफाइल अपडेट होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लॉग इन हो जाऊंगा, लॉग इन होने के बाद मेरे प्रोफाइल अपडेट करना पड़ता है, विदाउट प्रोफाइल आप आगे नहीं जा सकते। तो प्रोफाइल अपडेट भरते वक्त आपको जीएसटी, आपका एड्रेस, बैंक डिटेल्स, एमएसएमई, स्टार्टअप इंडिया, डीओपीपी, ऐसे बहुत सारी डिटेल्स, आईटीआर, ऐसे डिटेल्स आपको फिल करने पड़ते हैं। तो वो सब आप कैसे अपने आप को अपडेट करें अपने प्रोफाइल में, वो प्रॉपर से आपको प्रोसेस सिखाया जाएगा। ये आपके प्रोफाइल अपडेट हो, प्रोफाइल अपडेट होने के बाद सेकेंड ऊपर आते हैं, दो ऑप्शन आते हैं माई एक्शन, वेंडर असेसमेंट और टैक्स रीसेलर पैनल। वेंडर असेसमेंट दैट मीन्स वो ओएम पैनल है, ओएम पैनल के तीन पार्ट है, एक ओएम, एक डीम्ड ओएम और एक है एज ए रीसेलर आप ओएम की तरह काम कैसे कैसे, तीन अलग अलग है, तीनों का क्या मतलब होता है और आप तीनों के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या चार्जेस होते हैं वो आपको बताएं। उसके बाद आता है रीसेलर पैनल, कुछ प्रोडक्ट को रीसेलर पैनल की जरूरत होती है, जनरली ये कोडेंट वन एंड कोडेंट टू के प्रोडक्ट। अभी आपके पास होगा कि बहुत सारे लोग नए हैं जिनको पता ही नहीं है कोडेंट के प्रोडक्ट, तो हम आपको आपको आगे कोडेंट के बारे में भी बताएंगे। क्वाड्रेंट में चार तरह का प्रोडक्ट होते हैं, क्वाड्रेंट वन, टू, थ्री एंड फोर। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी को, प्रोडक्ट के जो कैटेगरी है इसको चार तरह से जेम ने डिवाइड किया हुआ है। तो जो प्रोडक्ट क्वाड्रेंट वन एंड क्वाड्रेंट टू में आते हैं वो सब प्रोडक्ट को विदाउट ऑथराइजेशन नंबर उस प्रोडक्ट को नहीं डाल सकते, उसके लिए रीसेलर पैनल बनाया गया है। वो प्रोडक्ट आपको जो ऑथराइजेशन नंबर है ये आपको ओएम से लेना पड़ेगा और वो आप वहां पे कैसे इनपुट करेंगे, या फिर आपको कोई ऑथराइजेशन नंबर मिलता है तो उसका यूज वहां पे कैसे करके लेंगे वो भी हम आपको एक तरीका बताएंगे। ताकि बहुत ऑथराइजेशन नंबर मिलना बड़ा मुश्किल होता है, पर आपको यदि कहीं से कोई ऑथराइजेशन नंबर मिल जाता है दूसरे का है तो भी आप उसको कैसे यूज करके ले सकते हैं, तो ये आपका रीसेलर पैनल में हम आपको कवर करें। तो यहाँ पे आगे उसके बाद आता है आपके मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करने हैं, ईमेल आईडी कैसे बदल सकते हैं, ऐसे बेसिक चीजें हैं जो आपको वहां पे हम लोग कवर करते हैं। ये आपके प्रोफाइल में पूरा का पूरा प्रोफाइल का। इसके बाद हमारा टॉपिक्स आता है कॉजन मनी। यहाँ पे आपको तीन तरह का कॉजन मनी होता है, 5,000, 10,000 और 25,000।
जनरली 5000 आपको यहाँ पे मनी डिपॉजिट करना मैंडेटरी है, ये एक डिपॉजिट अमाउंट है, आपको ये पैसा देना ही पड़ता है यहाँ पे जिम, इसको कॉजन मनी बोलते हैं। तो कॉजन मनी, ये डिपॉजिट करने के क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम डिपॉजिट कर सकते हैं, विदाउट डिपॉजिट आप कोई भी काम जिम पे नहीं कर सकते, तो कैसे तरीके से डिपॉजिट करेंगे, और इनकेस ये पैसा आपको रिफंड कब मिलेगा या फिर ये डिडक्ट होगा तो कब डिडक्ट होगा, ये सभी चीजें हम लोग कॉजन मनी में डिस्कस। इसके बाद प्रोडक्ट, हमारे यहाँ पास दो कैटेगरी के चीजें हैं, एक प्रोडक्ट है और एक सर्विसेज है, दो पार्ट। तो प्रोडक्ट के कैटलॉग कैसे अपलोड करेंगे, प्रोडक्ट के कैटलॉग के तीन पार्ट, प्रोडक्ट को नया प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट को क्लोन करना और प्रोडक्ट को पेयरिंग करना, तीनों पार्ट हम लोग देखेंगे। सर्विसेज के कैटलॉग कैसे डालेंगे ये भी देखेंगे, ये हमारा कैटलॉग का हो गया। उसके बाद प्राइस ट्रेंड्स, प्रोडक्ट के बारे में उसके डिटेल्स एनालिसिस कैसे करते हैं, किसको क्या रेट से प्रोडक्ट का लिस्ट मिला, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, मार्केट में किस चीज की डिमांड ज्यादा है, ये सभी चीजें एक प्रोडक्ट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे, वो सब चीज हम लोग प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट के चीजें होगी, सर्विसेज के कैटलॉग हम लोगों ने देख लिया। अभी ब्रांड, हम कोई भी प्रोडक्ट के ब्रांड को रजिस्टर करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और कोई भी ब्रांड यदि जेम पे नहीं है तो उसको कैसे रजिस्टर कर सकते, ये दोनों के लिए, OEM के लिए भी और एज ए रिसेलर के लिए, ये हमारा ब्रांड रजिस्ट्रेशन। उसके बाद मान लीजिए मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है तो उसके लिए हम जेम को कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई कैटेगरी नहीं है, अभी मुझे साइकिल बेचना है और जेम पे साइकिल अभी उसका कैटेगरी बना नहीं है, तो हम उसके लिए उसको कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये हम लोग भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसको बोलते हैं RMS, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कैटेगरी, या फिर बहुत सारे लोग इसको कैटेगरी मैनेजमेंट बोलते, तो कैटेगरी मैनेजमेंट भी आप बोल सकते, तो हम लोग इसके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। जो कोई भी प्रोडक्ट के, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है जो जेम पे नहीं है, उसको हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पर वो 100% जेम पे आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, पर हम रिक्वेस्ट कर जरूर सकते, कैसे रिक्वेस्ट करने का ये हम आपको बताएं। इसके बाद आएंगे बीड्स, जैसे कि बीड्स है, तो बीड्स में अलग अलग टाइप के बीड्स है। बीड्स जनरली कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे बीड्स अलग अलग टाइप के, जो लोग ई प्रोक्योरमेंट में टेंडर भरे हैं या टेंडर के बारे में पता है उनको एक बेसिक चीज है टेंडर के बारे में पता होता है, टेंडर भरने के बारे में, जहां पे टेंडर में दो इनवेलप होते हैं, जनरली हम लोग टेंडर का एक बेसिक पार्ट डिस्कशन कर लेते हैं। टेंडर में दो इनवेलप होता है, एक टेक्निकल एक फाइनेंस, यहाँ पर भी सेम सिस्टम, एक टेक्निकल होगा एक फाइनेंस होगा। टेक्निकल में हम डॉक्यूमेंट्स की ओर ध्यान देते हैं, इस टेंडर को भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम उसको टेक्निकल बोलते हैं, और फाइनेंस में हम अपना रेट को कट करते हैं, मतलब ये टेंडर मुझे कितने में कोट करना है, कितने में मुझे लेना है, उस रेट को हम फाइनेंस बोलते हैं। तैसे यहाँ पर भी आपको दो इन्वेलप मिलेंगे और दोनों इन्वेलप को प्रोसीजर करना, इसको हम लोग बीड बोलते हैं। बीड का कैसा रहता है, बीड यहाँ पे अलग अलग टाइप के बीड होते हैं, बीड और आरएस यहाँ दिख रहा है, आरएस मतलब रिवर्स ऑक्शन, इसके रिवर्स ऑक्शन के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे डिटेल्स। बीड जनरली, बीड को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोली भी बोलते हैं, बोली लगाना, तो ये बीड और रिवर्स ऑक्शन ऐसे दो पार्ट्स हैं, तो हम लोग बीड और रिवर्स ऑक्शन के बारे में, यहाँ पे प्रोडक्ट के बीड्स हैं, ये जो पार्ट है ये सर्विसेज के सिंगल, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट और यहाँ पे सिंगल सर्विसेज के बीड्स आएंगे। बंच बीड, यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एक से ज्यादा प्रोडक्ट, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 5 पेन की जरूरत थी रेनॉल्ड कंपनी की, या 0.5 mm का बॉल पेन की रिक्वायरमेंट थी, एक ही प्रोडक्ट है, चाहे वो 100 क्वांटिटी हो, 1000 हो या 1 लाख हो, ये यहाँ आएगा। पर जब यही बॉल पेन 0.5 mm का चाहिए पर दो अलग अलग चाहिए, एक 100 मीटर लेंथ के लिए चाहिए और 120 मीटर लेंथ के लिए चाहिए, तो फिर ये दो अलग अलग प्रोडक्ट हो गए। जब दो अलग अलग प्रोडक्ट होगा तो ये बंच बीड़ा हो गया। सेम सर्विसेस है, यदि आपको मैन पावर में मान लीजिए लेबर भी चाहिए और स्वीपर भी चाहिए, तो ये सर्विस बंच बीड होगा, और सिंगल मैन पावर है तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा बीड। बीड टू आर ए, जो टेंडर रिवर्स ऑक्शन में, बीड से रिवर्स ऑक्शन में कन्वर्ट होता है, वो आपको बीड टू आर ए में दिखेगा, बीड टू रिवर्स ऑक्शन में कन्वर्ट। देखो हर एक टेंडर में आपको ऐसा एरो मिलेगा और यहाँ पे बीड नंबर रहेगा और यहाँ पे आर ए नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आर दिखेगा, मतलब हर एक टेंडर ये बीड टू आर ए में कन्वर्ट होगा, तो जो टेंडर आपको बीड टू आर ए में जाएगा वो आपको यहाँ दिखेगा। उसके बाद आएंगे कस्टम बीड, हम आपको थोड़ी देर पहले भी बताए थे, कुछ टेंडर ऐसे रहते हैं
जिस टेंडर का मार्केट में कैटेगरी नहीं है, जैसे कि हैंड ब्लास्टिक मान लीजिए एक सील्ड लेवल है, ये प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है ये मार्केट में नहीं है और बायर को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो बायर को ये प्रिविलेज दिया हुआ है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है आप उसका कस्टम बिड निकाल सकते। तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा कस्टम बिड, इसको कस्टम बिड बोलते हैं, मतलब कस्टमाइजेशन, कोई भी चीज का कस्टम करके बनाया हुआ, या फिर मार्केट में यदि कोई कैटेगरी नहीं है और उस कैटेगरी में आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप कस्टम बिड में वो टेंडर आपको दिखेगा। और एक टाइप के बिड्स होते हैं वो है बीओक्यू बिड, जिसको बिल ऑफ क्वांटिटी बिड बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक बीओक्यू बिड भी है, ऐसे टेंडर को हम बोलते हैं बीओक्यू बिड, बिल ऑफ क्वांटिटीज का फुल फॉर्म। यहाँ पे एक एक्सेल का फाइल मिलता है और उसको हमको अपलोड करना। तो हम ये बस सभी बिड्स के बारे में, ये बिड कैसा रहता है, किस तरीके से अपने को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, क्या देखना है बिड में, कौन सा टेंडर अपने को देखने से ही पता चलेगा ये टेंडर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कोई भी टेंडर, कस्टम बिड का टेंडर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, जो टेंडर जिस कैटेगरी में है वहीं पर आपको सर्च करने से ही वो टेंडर मिलता है। तो इसलिए अपने को टेंडर के कैटेगरी को देख के, टेंडर देख के पता करना बहुत जरूरी है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम टेंडर को स्टडी करना सीखेंगे, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना सीखेंगे और टेंडर भरना भी देखेंगे। हर एक तरह का टेंडर, सभी तरह का टेंडर, ये हमारा टोटल होगा बीड्स के। तो हम यहाँ पे बीड देखें, इसके साथ हम लोग पीआर देखेंगे, परचेज एक्विजिशन क्या है और परचेज एक्विजिशन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये हमारा पूरा सेलर का पार्ट, ये सेलर का पूरा सिलेबस। यदि हम लोग बायर की बात करेंगे तो बायर में हम लोग बायर में क्या क्या देखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बायर का रजिस्ट्रेशन, बायर में भी दोनों रजिस्ट्रेशन, एचओडी का जो प्राइमरी यूजर होता है और सेकेंडरी यूजर, सेकेंडरी यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर भी बायर में दोनों रजिस्ट्रेशन देखेंगे। गवर्नमेंट का ईमेल आईडी बनाने का प्रोसेस, यदि जियो भी या फिर जेम का ईमेल आईडी जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ये प्रोसेस कैसा रहता है ये भी देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे, और उसको वहां पे उस डिपार्टमेंट को और यूजर को वहां से लिंक कैसे करते हैं एचओडी के अकाउंट से वो भी। ये हो गया हमारा बायर के अकाउंट्स के बारे में। साथ में डायरेक्ट परचेज जिसकी लिमिट 25,000 है, यहाँ पे तीन अलग अलग तरीके से परचेज होता है जेम पे। डायरेक्ट परचेज जिसकी लिमिट 25,000 है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं L1 परचेज, जिसको आप लोग जनरली L1 परचेज बोलते हैं, पर वो डायरेक्ट परचेज का ही पार्ट है जिसकी लिमिट है 5,00,000, 25,000 से ज्यादा और 5,00,000 से कम, ऐसे को हम लोग बोलते हैं L1 परचेज। L1 परचेज कैसे होता है जिसकी लिमिट है, और बीड, बीड की कोई लिमिट नहीं है जो हम लोग अभी आपको समझा रहे हैं। तो ये तीनों डायरेक्ट परचेज आपका ही प्रोडक्ट, कोई भी रेट का आपका प्रोडक्ट आपको ही ऑर्डर कैसे मिलेगा 25,000 तक में वो हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट परचेज से कोई भी बायर से आपकी पहचान है तो आपको ही ऑर्डर कैसे मिले वो आपको बताएंगे। L1 परचेज जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है उसको L1 करने का आपको प्रोसेस बताएंगे, पर L1 में जैसे मैंने अभी डायरेक्ट परचेज में बताया कि आपको 100% मिलेगा ऑर्डर 25,000 तक में, पर L1 में ये गारंटेड नहीं, पर ज्यादातर चांसेस है कि आपको L1 में भी आपका प्रोडक्ट आपके रेट में आपको मिल जाए। उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसेस मैं आपको बताऊं, पर उसके कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन के साथ आपका रहेगा। यदि आप यहाँ पे मनचाही रेट में चलेंगे तो नहीं चलेगा, पर आप रेट के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो 100% आपको 5,00,000 का भी ऑर्डर आपको मिल जाए। इसको बोलते हैं L1 परचेज, जहां पे कंपेयर करके परचेस करना होता है, पर 25,000 में 100% गारंटेड आपका कोई भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ये गारंटेड। वो मैं आपको प्रोसेस सिखाऊंगा बायर में। और बीड कैसे बनाते, ये बीड बनाने का प्रोसेस, और बीड बनाते वक्त हम यहाँ पे क्या सेटिंग कर सकते हैं ताकि ये बीड किसी को पता ना चले, मतलब नोटिफिकेशन ना चाहे। देखो बीड आप लोग जिन लोगों में रजिस्ट्रेशन किया है, अभी कोई भी बीड आता है तो आपको मैसेज आता है, मेल आता है, ये मेल और मैसेज ना जाए और आपको कम से कम लोग ये टेंडर को भरे। और यहाँ पे ज्यादातर आप मैनेज कैसे कर सकते हो टेंडर को ताकि आपका टेंडर आपको मिले, इसके लिए कुछ जो भी तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये 100% नहीं है, पर ज्यादातर प्रोसेस में ये काम कर जाएगा यदि आप मेरे साथ अपने अकॉर्डिंगली चलते हैं तो। 100% नहीं है, 100% सिर्फ डायरेक्ट परचेज ही है, डायरेक्ट परचेज 100% है, बाकी की चीजें 100% नहीं है,
पर 70-80% आप पकड़ के चल सकते हो। ये हमारा पूरा सिलेबस है जहां पे हम आपको ये सभी चीजें सिखाएंगे। अभी आपके डाउट्स की बारी आती है, यदि इसमें से किसी को कोई पूछना है कोई चीज तो आप मुझे वन बाय वन पूछ सकते हैं। अनम्यूट कीजिए और पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज है सिलेबस के रिगार्डिंग या जेएम के बेसिक कोई भी चीज क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। सर, दिस इज अर्पित सर, मैं जब जेएम में वर्क कर रहा था उस दिन आई वाज अपलोडिंग ऑन प्रोडक्ट, तो उसका कैटेगरी अननोन था, तो मैंने सॉरी एक बार रिपीट प्लीज। उसका कैटेगरी अननोन नहीं था तो रिक्वेस्ट डाला था मैंने फॉर न्यू कैटेगरी क्रिएशन। बराबर होता क्या है, समटाइम्स जब हम कैटेगरी क्रिएशन का रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो जो है वो रजिस्टर्ड जो से हम माल खरीदे वो पर्सन का भी आना चाहिए, जैसे आई एम अ केमिकल डीलर। बराबर, कि जिससे यू आर आल्सो उसका भी रजिस्ट्रेशन शुड बी ऑन जेम, तो ये कैसे पॉसिबल होगा क्योंकि उसको डिटेल्स अगर किसी लोगों का नहीं भी रहता तो उसको कैसे मैनेज करना फिर। बराबर सर, देखो सर मैं एक चीज आपको पहले कैटेगरी के बारे में एक चीज बता दूं। देखो मैंने अभी सिलेबस के टाइम पे ही आपको हर एक चीज का एक थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। कैटेगरी में मैंने आपको एक चीज बताया था कि आप यदि नया कोई कैटेगरी डालना चाहते हो तो डालने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, पर ये आएगा इसका कोई गारंटी नहीं। मैंने आपको ये साफ सब क्लियर बताया। कैटेगरी में प्रॉब्लम क्या है ये तो मैं समझ गया, बट कभी मेरा पहले क्लियर होने दीजिए फिर आप पूछिए। तो देखिए कैटेगरी में क्या होता है, कैटेगरी बनाना पहले कैटेगरी यदि हम जेम के शुरुआत के दौर की बात करेंगे तो कैटेगरी ओपन था, कोई भी आके कैसे भी कैटेगरी बना सकता था। बाद में जेम ने इसको रेस्ट्रिक्ट किया और जेम को कैटेगरी अपने पास रख लिया। अभी कैटेगरी के लिए हम रिक्वेस्ट डालते हैं, वहां पे एक एक्सेल का फाइल आता है और मुझे भरने के लिए आता है, जहां पे जेम को मुझे मल्टीपल चीजें देनी पड़ती। जैसे जिसको हमने प्रोडक्ट बेचा है ऐसे तीन सेलर, और मेरे जो ये प्रोडक्ट आपके रिलेवेंट प्रोडक्ट है, मान लीजिए पेन है तो रेनॉल्ड कंपनी का पेन, आप मान लीजिए पेन का कैटेगरी लिस्टिंग करना चाहते हैं तो आपके पास रेनॉल्ड का है, तो आपके कॉम्पिटिटर मान लो रेनॉल्ड को छोड़ के और भी कॉम्पिटिटर है, पार्कर है और भी जो लोग कंपनी पेन बनाती है, उसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये जेम की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे आप अकेले नहीं, आपके जैसे ऐसे मल्टीपल 100, 200, 300 लोग कम से कम सेलर और साथ में बायर भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं तो जेम पे वो कैटेगरी आएगा, नहीं तो कैटेगरी नहीं आएगा। तो इसमें अपने को नुकसान, अभी नुकसान की बात करते हैं, यदि कोई कैटेगरी मुझे नहीं है तो मुझे नुकसान कुछ नहीं है। मेरे साथ यदि बायर की पहचान है तो बायर उसका कस्टम बिड निकाल सकता है, बायर को ये प्रिविलेज दिया है, मतलब बायर की तरफ से काम रुकेगा नहीं, बायर की तरफ से काम मतलब ये जो जेम पोर्टल बनाया हुआ है एज ए हमें कैटेगरी डालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायर को वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए। यदि कोई कैटेगरी मार्केट में नहीं है और वो कैटेगरी से मार्केट में नुकसान किसको है, बायर को है, सेलर को कुछ नहीं, तो बायर को काम ना रुके इसीलिए यहाँ पे इसको कस्टम बिड का एक ऑप्शन दिया गया है, जो कस्टम बिड में वो टेंडर को निकाल सकता है, फ्लोट कर सकता है और वो अपना प्रोडक्ट ले सकता है। तो यदि आपके साथ ऐसा आप रिक्वेस्ट कर सकते हो पहला, और यदि फिर भी आपका नहीं होता है तो बायर को बोलो कि आप कस्टम बिड में आप टेंडर निकालो और फिर उसके अकॉर्डिंगली टेंडर भरिए, और आप टेंडर भर के अपना प्रोडक्ट आपका ऑर्डर ले सकते हैं। बोलिए सर, अभी आपका आपकी अभी क्या है, बोलिए। ये सॉल्यूशन मुझे समझा अच्छा है ये चीज। हाँ। ये हमारे पास जैसे कभी ऑप्शन रहेगा जब सब लोगों का बंच आएगा तभी ये अप्रूव होता है कि ऐसा सिलेक्टेड। हाँ, नहीं, एक आदमी से नहीं होता। देखो कोई भी प्रोडक्ट, हाँ, उसके बारे में मल्टीपल उनके पास नॉलेज होना चाहिए। आप यदि कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे, अरे सर मार्केट में यदि हम पूरे जेम में मार्केटिंग में बात करेंगे तो यदि हम और इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया में यदि 1,00,000 प्रोडक्ट है, मान लीजिए 1,00,000 प्रोडक्ट है, तो उसका 5% भी प्रोडक्ट जेम पे नहीं है, आ भी नहीं सकता। मार्केट में प्रोडक्ट कम है क्या, बताओ? कोई भी चीज प्रोडक्ट ले लो, खाली हाउस होल्ड के प्रोडक्ट ले लेंगे तो हाउस होल्ड के आइटम कम से कम नहीं तो भी 1,00,000 होंगे, ज्यादा भी होंगे। इतने चीजें जेम पे काम करना और इतना लोड देना पॉसिबल नहीं है, और जेम को इतना टीम भी चाहिए।
इसलिए डिपेंड करता है बायर के ऊपर। बायर को जिसकी जरूरत है, ज्यादा जिसकी जरूरत है, अभी पेन की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो हमेशा कस्टम बिड निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको जेम पे उसने रजिस्टर कर लिया। तैसे प्रोडक्ट का डिमांड जब बढ़ता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा डिमांड आता रहेगा, तो उसको धीरे धीरे उसकी कैटेगरी बनती रहेगी, ऐसा जेम का कंसेप्ट। हेलो, एक मिनट, पहले अर्पित सर का क्लियर होने दीजिए और फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। यही मेन कैटेगरी का डाउट था। और ये जो अपन जैसे रजिस्टर जो करते हैं अपन, ये मुझे ये सीखना है क्योंकि उसमें दो तीन ओईएम के एड्रेस वगैरह मांगता है, वो जो एक्सेल का फॉर्म आता है। बराबर, अटैचमेंट और कैसे डालना है, अटैचमेंट मांगते हैं, वो कैसे करना। मैं उस दिन मैं आपको वो एक रिक्वेस्ट बनाने का एक प्रोसीजर वो हम लोग सिखा दूंगा मैं आपको कैसे करना है। थैंक यू। नेक्स्ट बोलिए। और सर एक मिनट सर, आगे रिप्लाई करने से पहले, 5 लाख के अंडर L1 कैसे होता है? यस सर, हम लोग ये जनरली बताएंगे, 5 लाख के अंडर के जो भी होते हैं इसको बोलते हैं L1 परचेस, और L1 परचेस के बारे में हम लोग बायर के पार्ट में सीखेंगे क्योंकि ये बायर का काम, तो हम लोग बायर के काम पे ये सीखेंगे L1 कैसे बनाते हैं, इसके प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। प्लीज नेक्स्ट क्वेरी। हेलो सर, मेरी एक क्वेरी थी कि जैसे हम डायरेक्ट परचेज कैसे कर सकते हैं सर, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, डायरेक्ट परचेज के दो पार्ट है, एक 25,000 बिलो 25,000 और एक 25,000 से ज्यादा 5 लाख के नीचे, ऐसे दो होता है। तो आप दोनों में कर सकते हैं। 25,000 में जैसे मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि ये श्योर शॉट है, यदि आपकी बायर के साथ पहचान है तो 100% ऑर्डर आपको ही मिलेगा। L1 में भी आपको ऑर्डर मिल सकता है, पर थोड़े बहुत देखो रेट के साथ यदि आप थोड़े बहुत कंप्रोमाइज करते हैं तो 100% ऑर्डर आपको ही मिल जाएगा। इसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे करते हैं, वो मैं आपको बता दूं। इसको डायरेक्ट परचेज मतलब यहाँ पे कोई बीड नहीं निकलेगा, डायरेक्टली आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ये लाइक अमेजन, अभी मान लीजिए आप अमेजन से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हम अमेजन को कोई बीड निकलता है इसको वेटिंग करते हैं क्या? नहीं, मुझे ये क्लीनिंग के एसेसरीज चाहिए, मान लीजिए इंटर केयर में ये वाला प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट को, मार्केट में लिस्ट करते हैं ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो हम डायरेक्टली इसको ऑर्डर कर देते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं और डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। तो ये जो बेच रहा है इसको डायरेक्ट ऑर्डर चला जाता है, ये मुझे डायरेक्ट शिपिंग कर देता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट परचेज। तो ये ही पार्ट होता है अपने को जेम पे, जिसकी लिमिट 25,000 एक है, दो पार्ट है, एक 25,000 तक और एक 25,000 से ज्यादा 5 लाख से कम, ऐसे दो पार्ट। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अमाउंट 5 लाख से ज्यादा होगा और हमारी बायर से पहचान है, तो उसे मतलब मैनेज कैसे कर सकते हैं? देखो ये इसमें दो पार्ट है, एक तो आप उसको डिवाइड कर दो, दो पार्ट में दो ऑर्डर ले लो, और आपको एक ही ऑर्डर में चाहिए तो फिर बीड निकालना पड़ेगा। बीड होने के बाद मतलब कर सकते सेटिंग कर सकते हैं? बीड में सेटिंग्स हो सकते हैं पर थोड़े कम चांसेस, डायरेक्ट परचेज में 100% है। बीड में देखो फिर तो वो ओपन होता है, कोई भी पार्टिसिपेट करेगा और फिर हम पार्टिसिपेट करने को किसी को रोक नहीं सकते, पर कुछ ट्रिक्स और कुछ जरिया है जो मैं आपको बीड के टाइम पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है। और सर कुछ मतलब ऐसे मंथली या ईयरली कुछ ऐसे सर्टन अमाउंट तक ही हम जेम पे परचेज सॉरी सेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे 20 लाख ईयरली के लिए जेम को कोई चार्जेस नहीं है, उसके बाद आपको 0.5% आपको चार्ज देना पड़ेगा, वो फिर 1 CR तक के लिए, 1 CR के बाद इसकी चार्जेस नहीं लगती, और नहीं तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ एक चार्जेस है, 0.5% आपको एक चार्ज देना पड़ता है। 20 लाख के लिए 0 चार्जेस है, आफ्टर 20 लाख आपको 0.5% जेम को एज एक सर्विस चार्ज देना पड़ता है, फिर वो 1 करोड़ तक के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, फिर अबव 1 CR फिर आपको चार्जेस लगेगा। अबव 1 CR कितना चार्जेस है सर? फिर से 0.5% 1 CR मतलब 1% पूरा 0 हाँ नहीं फिर से 20 लाख से ऊपर 0.5% ही लगेगा। ओके, आपने 20 लाख का चार्जेस दिया था, फिर 80 लाख के लिए फिर से आपको 80 लाख का 0.5% देना पड़ेगा, फिर आप 1 CR से ऊपर का भी कोई भी चीज मतलब परचेज करने के लिए रोकेगा नहीं, सिर्फ आपको एक चार्जेस सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा। ये सर क्लियर नहीं हुआ है, एक मिनट वापस बताएंगे। लाइक 20 लाख तक का कोई चार्जेस नहीं है? 20 लाख तक का कोई भी चार्जेस नहीं है ईयरली में, पर आपका जिस दिन 20 लाख क्रॉस हो जाएगा उस दिन जेम को एक सर्विस चार्ज देना पड़ेगा 20 लाख के ऊपर 0.5%।
लाइक 22 लाख हुआ तो 2 लाख पे 0.05 नहीं जी 20 लाख का 0.5% 22 लाख का कि सर 20 लाख का 20 लाख का ओके और उसके बाद फिर 1 CR तक कोई चार्जेस नहीं है फिर 1 CR जिस दिन हो जाएगा तो 1 CR के ऊपर आपको यदि 1 CR के ऊपर ऑर्डर मिलता है तो 1 CR का फिर से 0.5% ओके 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 बोलिए सर नेक्स्ट हेलो हाँ बोलिए सर जी सर ये जो L1 परचेज और ये डायरेक्ट परचेज में डिफरेंस क्या है L1 परचेज में क्या होता है कि हमको यहाँ पे डायरेक्ट परचेज पहले डायरेक्ट परचेज समझो डायरेक्ट परचेज जैसे कि मैंने अमेज़न पे बोला इसको डायरेक्टली ऑर्डर चला जाएगा आपको आपका लिंक देना है और उस लिंक पे डायरेक्ट ऑर्डर चला जाता है जी इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट परचेज L1 में क्या होता है हम डायरेक्टली आपको ऑर्डर नहीं दे सकते आपके साथ आपके कम रेट वाले को 3 लोगों को कंपेयर करना पड़ता है और कंपेयर करने के बाद जो सबसे कम रेट होगा उसको ही ऑर्डर देना पड़ेगा इसको बोलते हैं L1 परचेस कंपेयर करके देना जी जी ठीक है थैंक यू नेक्स्ट हेलो हाँ बोलिए सर मेरा क्वेश्चन L1 के लिए है हाँ जैसे समझ लो कोई मेरे को ऑर्डर मिलता है L1 के लिए कंपेयर करने मिलता है जी हाँ तो मुझे कंपेयर करके देना है फॉर एग्जांपल बूट पॉलिश है हाँ वो मेरे को मिला 1500 पीस ठीक है उसका रेट हाँ. है या 60 या 62 रुपीस तो वो कैसे करते हैं L1 हाँ. सर वही बोला L1 करना कैसे है ये हम लोग बायर के क्लास में देखेंगे अच्छा जब बायर का पार्ट हम सिखाएंगे तो हम आपको एलर उसके बारे में बताएंगे हाँ L1 तो सर हो जाता है इनमें लेकिन हाँ. बायर बोलता है कि हमको कंपेयर करके दो हाँ वही कंपेयर कैसे करने का है ना वो वहाँ पे हम आपको बताएंगे उसका एक प्रोसेस होता है वो प्रोसेस मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा और एक क्वेश्चन है कि हाँ. जैसे हमको डायरेक्ट ऑर्डर मिलता है 25,000 से नीचे हाँ. ठीक है हम जब ये पब्लिश करते हैं प्रोडक्ट हाँ. तो उसका रेट हम डालते हैं 2500 ठीक है हाँ. जैसे ही बायर उनका आईडी में खोलता है वो रेट हो जाता है कम बराबर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट क्या है बताइए मेरा प्रोडक्ट है फायर एक्सटेंशन है फायर एक्सटेंशन हाँ तो मैंने उसको पब्लिश किया है 2500 में ठीक है जैसे प्रोडक्ट आईडी डाल के बायर बताता हूँ आपको एक छोटा सा मैं आपको सबके रीजन बता देता हूँ जो ऐसा होने के पीछे का रीजन क्या होता है ये तो फायर एक्सटेंशन नहीं हुआ ये प्रोडक्ट है मान लीजिए ये आपका एक प्रोडक्ट है अब ये 7080 रुपया अभी यहाँ पे जेम का कैसा है देखो अभी कोई भी ऑर्डर देखो आप यही प्रोडक्ट को आप क्लोन कर लेते हो या आपका प्रोडक्ट कोई क्लोन कर लेता है तो ये रेट ये जो ऑर्डर है ये प्रोडक्ट का ये ऑर्डर किसको मिलेगा जो सबसे यहाँ पे कम रेट में देगा अब ये वाला प्रोडक्ट आप यदि 8000 में बेचेंगे तो आपको ऑर्डर कभी नहीं मिलेगा किसको मिलेगा यहाँ पे जो सबसे कम रेट में देगा इसके साथ भी कुछ रूल्स है सेलर डिटेल्स में जाओ और यहाँ पे आपके एरिया में जहां का बायर है उस एरिया में सबसे कम रेट में जो दे रहा है उसको ही मिलेगा अभी यहाँ पे तो एक ही बायर है चलो दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं तो अपने को और क्लियर होगा जहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं मतलब बहुत सारे लोग बेच रहे हैं ऐसा देखते हैं अब ये प्रोडक्ट 9,580 रुपये में अब ये प्रोडक्ट में दो लोग बेच रहे मान लीजिए ऑर्डर दोनों का 9,580 रुपया रेट है पर अलग अलग रेट होता तो गुजरात के लिए इसको रेट मिलता था पर ऑल ओवर इंडिया में यदि गुजरात छोड़ के दूसरा कहीं से ऑर्डर है और जिसका रेट जो सबसे कम होगा ऑर्डर उसको ही मिलेगा दूसरे को ऑर्डर नहीं मिलेगा अभी यहाँ पे ये यदि गुजरात के लिए ये 9,600 रुपया रेट डाल के रखता था तो इसको ऑर्डर कभी भी नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि एक 9,580 रुपया में ऑल ओवर इंडिया में कोई ऑर्डर दे रहा है जब आपको कम रेट में कोई दे रहा है
तो आपको ज्यादा रेट वाले को ऑर्डर जेम कभी भी डिस्प्ले नहीं करवाता, इसलिए आपका प्रोडक्ट नहीं दिखता होगा क्योंकि आपको रेट ज्यादा है। यदि हम लोग समझते हैं तो देखो, कभी जैसे ये प्रोडक्ट है, अभी ये प्रोडक्ट और भी कोई लोग बेचता है, पर आप लोग यहाँ पे जाके दूसरे जगह से कोई भी प्रोडक्ट नहीं परचेज करते हो, यहाँ पर भी अभी ये प्रोडक्ट देखिए, अभी ये प्रोडक्ट ये 27,990 रुपए में दे रहा है। आप लोगों ने कभी भी आप लोगों ने इससे जाके यहाँ पे जाके अलग किसी से प्रोडक्ट परचेज किया क्या? 28,990 रुपए में इससे प्रोडक्ट किया क्या? एसएम शॉप से परचेज किया है क्या आज तक किसी ने? और भी यही वाला प्रोडक्ट दूसरा लोग भी बेच रहे, पर इनके रेट ज्यादा है। जब आप खुद के लिए ऐसा प्रोडक्ट कभी परचेज नहीं करते हैं तो जेब में ऐसा कैसे कर सकता है? तो यहां पर भी सेम रूल्स है कि जब आपका प्रोडक्ट जो सबसे बेस्ट रेट में देगा उसी को ऑर्डर जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन है कि आप दूसरे कोई प्रोडक्ट को क्लोन करो जिस प्रोडक्ट का रेट ज्यादा है और उसको क्लोन करके रखो, और दूसरा ऑप्शन है कि नया प्रोडक्ट पब्लिश करो ज्यादा रेट में, यदि आपको ज्यादा रेट में चाहिए तो। ऐसे दो ऑप्शन के साथ जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप अपना प्रोडक्ट अपने पसंद के रेट में लेके जा सकते हैं। क्लियर है सर, या कोई डाउट्स है तो बताइए। गुप्ता सर का एक क्वेरी है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओएम एंड रीसेलर? देखिए सर, ओएम कौन होता है? जो मैन्युफैक्चर करता है, खुद से मैन्युफैक्चरिंग करता है। अभी जैसे ये कंपनी का ओएम कौन है? सेफिक्स है, ये कंपनी है। ये कंपनी यदि खुद जेम पे आती है तो वो एज ए इस प्रोडक्ट को ओएम बेचेगा, वो ओएम होगा। पर ये प्रोडक्ट को मैं खरीदता हूं किसी से भी, सेफेक्स से खरीदू या दूसरा कोई डीलर से खरीदता हूं, और ये प्रोडक्ट को मैं बेचता हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता हूं पर मैं इस प्रोडक्ट को बेचता हूं, तो मैं रीसेलर हूंगा, मैं इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहा हूं। और यदि मैं इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूं और मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करके बेचता हूं तो मैं ओएम बनूंगा। इसको बोलते हैं ओएम, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। बोलिए, किसी को और कुछ डाउट्स है? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, ये कॉर्डन टू कैटेगरी है, जैसे हाँ। मेरे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई ऑर्डर मिला, जैसे हाँ। ये फायर एक्सटेंशन रही है, हाँ, तो इसको कैसे ऐड करते हैं? मैं बताऊंगा ना सर, इसके लिए आपके पास रीसेलर पैनल होना चाहिए और रीसेलर पैनल के साथ इसका ऑथराइजेशन नंबर होना चाहिए। विदाउट ऑथराइजेशन नंबर आप क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 के प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। जैसे कि ये क्वाड्रेंट 2 का प्रोडक्ट है तो इसके लिए ऑथराइजेशन नंबर मस्ट, विदाउट ऑथराइजेशन नंबर क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 के प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाए। अगर ऑथराइजेशन नंबर लेना हो तो कहां से? नहीं बेच सकते। जहां कहां से लेंगे, ये कंपनी से ले सकते हो या फिर आप जिससे परचेस करते हुए प्रोडक्ट उनसे ले सकते। पर रूल है कि आपके पास ऑथराइजेशन नंबर होना जरूरी है सिर्फ क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 के प्रोडक्ट के लिए। जैसे बहुत सारे मैंने बताया था क्वाड्रेंट 1 2 3 4 होता है, तो यहां पे पता चलता है ये किस किसका प्रोडक्ट है, तो ये Q2 का प्रोडक्ट है। जैसे Q1 और Q2 के प्रोडक्ट को आप नहीं विदाउट ऑथराइजेशन नंबर नहीं बेच सकते, बाकी को बेच सकते। और किसी का कोई डाउट्स है तो बताइए। हेलो, हाँ बोलिए सर। मेरा ये डाउट है कि आज हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, अपना प्रोडक्ट रजिस्टर किया, उसका हमने रेट डाला जैसे 70 रुपए कुछ डाला, बाद में उसको कोई क्लोन कर लेगा 60 कर देगा, फिर कोई दूसरा क्लोन कर लेगा 50 कर देगा, बराबर है, हाँ, हो सकता है। मतलब इस तरह से हम उस प्रोडक्ट की जो अपने प्राइस रखनी, हमको मतलब लोएस्ट ही रखना पड़ेगा उसके, बराबर लोएस्ट ही रखना पड़ेगा। हाँ, मतलब हम अपने प्राइस में नहीं बेच सकते उसको, नहीं अकॉर्डिंग जो कम करता जाएगा उससे कम में निकालना पड़ेगा।
बराबर है ना सर, जो सबसे कम में देगा उससे कम में ही बेचना पड़ता। देखो ये डायरेक्ट परचेस के लिए, पर बीड में ऐसा नहीं है। अच्छा, बीड में अपना रेट कोट करते हैं, वहां पर सबसे रेट में ओवरऑल सब लोग बीड एक साथ भर देते हैं, फिर जब खुलता है तो उस टाइम पे जो सबसे कम रेट में देगा उसको डायरेक्ट ऑर्डर मिल जाएगा। वो बीडिंग का तो वही जो कम रेट देगा उसको। सेम यहाँ पर भी है, डायरेक्ट परचेज में भी जो सबसे कम रेट में देगा उसको मिलेगा। इसका एक नॉर्मल, यदि आप लोग सोचेंगे, यदि कंफ्यूज हो रहे हो हम ऐसे कंपटीशन में कैसे रहेंगे कैसे काम करेंगे, तो सोच लो कि आपके बाजू में और एक शॉप है और आप भी एक शॉप बेच रहे हो और दोनों फायर एक्सटेंशन ही बेच रहे हो, वो 7,000 में बेच रहा है और बाजू वाला वही प्रोडक्ट वही कंपनी का वही प्रोडक्ट वो 6,500 में बेच रहा है, तो आपसे कोई भी लोग क्यों लेगा बताओ जी। ठीक सही, आपको तो 6,500 में ही बेचना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन तो मार्केट है ही, तो ये ऑनलाइन है तो यहाँ तो और कॉम्पिटिशन है। मुझे थोड़ी इसमें अलग आ रही, आप यदि वॉइस से बताएंगे तो मुझे ज्यादा क्लियर होगा। आप एक तो बोल रहे हैं कि आपके पास ट्रेडमार्क है और आप बोल रहे हैं मेरे पास मेरा मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी है, मुझे कुछ समझा नहीं। यदि आप ट्रेडमार्क है दैट मीन्स मैन्युफैक्चरर आपका खुद का है, हाँ मतलब आप दूसरे किसी से मैन्युफैक्चरिंग करवा के ले सकते हो पर प्रोडक्ट आपके नाम से ही रजिस्टर्ड होता है। आप एज ए वहां पे ओएम की तरह काम कर सकते हो, ओएम बन सकते हो यदि आपके पास टीएम है तो। हर्षित सर बोलिए। सर ये ऑथराइजेशन नंबर कैसे मिलता है किसी प्रोडक्ट के लिए? सर मैंने अभी भी बताया कि एक तो डायरेक्ट ओएम से जो मैन्युफैक्चरर है उनसे मिल सकता है, और दूसरा आप या तो फिर आप जिससे परचेज करते हो अपना प्रोडक्ट उनसे ले लो। ओके थैंक यू। और किसी को कोई डाउट्स? हेलो हाँ सरकार सर बोलिए। सर आपकी वॉइस कम आ रही है, प्लीज थोड़ा लाउड बोलिए। सर कोई भी सामान बिल में पार्टिसिपेट करने के लिए या नहीं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने तो क्लियर नहीं आ रही, आपकी वॉइस जो है वो क्लियर ही नहीं है, आवाज भी कम है और क्लियर भी नहीं है। हेलो हाँ बोलिए ना। कोई सामान जैसे बिल में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई सामान क्या मेरे अकाउंट में डालने होना जरूरी है? सर आपकी वॉइस जो है क्लियर नहीं है, पहले आप वॉइस को थोड़ा क्लियर कीजिए, देखिए क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, फिर बोलिए या फिर चैट में डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ चीजें समझ रही है कुछ चीजें नहीं समझ रही। सर मैं ये कह रहा था कि कोई अनब्रांडेड आइटम के लिए भी OEM जरूरी है? नहीं 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 नहीं, देखो सर आप यहाँ पे एज ए दो तरह से प्रोडक्ट बेच सकते हो, एज ए OEM और एज ए रीसेलर। यदि मैन्युफैक्चरर हो तो OEM की तरह बेचो, और मैन्युफैक्चरर नहीं होता एज ए रीसेलर बेच सकते हो कोई भी प्रोडक्ट। नहीं सर जस्ट एक्चुअली क्या है कि जैसे एक फुटरेस्ट आता है जो रखने का आता है फर्नीचर का था लकड़ी का, वो उसको मैं रजिस्टर कर रहा था, क्लोन बना रहा था तो बन नहीं रहा था। देखिए डिपेंड करता है आपका पास, मैं अभी दिखा रहा हूँ फुटरेस्ट बराबर जी सर, फुटरेस्ट है सर का एक प्रोडक्ट है फुटरेस्ट करके, अभी ये प्रोडक्ट का क्लोन नहीं हो रहा है, क्लोन नहीं होने के अलग अलग रीजन हो सकते। अभी ये फुटरेस्ट यहाँ पे तो आया नहीं, फुटरेस्ट ये रहा Q3 का है, मतलब ये विदाउट ऑथराइजेशन नंबर आप डाल सकते हैं। डाल सकते हैं, मैंने कोशिश किया था पर बनाया नहीं। अच्छा जी ये सर ये 1500 जो थर्ड वाला है ना इसको कोशिश किया था मैंने करने का पर हुआ नहीं था। ओके अभी देखो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखिए कुछ चीजें, हाँ ये वाला प्रोडक्ट आप विदाउट ऑथराइजेशन नंबर डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लोन हो जाएगा तुरंत का तुरंत जी। हाँ मैं आपको दिखा दूंगा आगे, पर कुछ प्रोडक्ट क्लोन नहीं होती है, उसके पीछे का रीजन वगैरह भी मैं आपको आगे बताता हूँ, है ना? ठीक है ये मैं आपको लिख के रखता हूँ, जब मैं क्लोन के बारे में बताऊंगा तो इसका ही मैं क्लोन करके आपको बताता हूँ। बोलिए और किसी का कुछ डाउट्स? नहीं तो हम लोग फिर नया क्लास चालू करेंगे। हेलो हाँ सर हाँ बोलिए।
बिडिंग में अगर कुछ प्रोडक्ट आता है तो मतलब हाँ. वो पूरा नेशनल वाइज ओपन होता है या कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए? नहीं नहीं, नहीं जितने लोगों ने भरा है टेंडर सबके सबका दिखेगा. नहीं लेकिन अभी टेंडर पब्लिश होने के बाद जो लोग हाँ. देखेंगे जो भर सकते हैं वो ही हाँ. आएंगे ना मतलब, या कुछ मतलब नहीं नहीं नहीं, नहीं टेंडर सबको दिखेगा. टेंडर ऐसा नहीं है किसी को नहीं दिखेगा, टेंडर सबको दिखेगा. अच्छा मतलब कोई भी उसे भर कोई भी भर सकता है. हाँ और ये ओपन टेंडर, ओपन मतलब सबके लिए ओपन. अच्छा लेकिन आपने बोला था ना सर कि उस अगर उस एरिया में रीजन में पास में जिसका होगा रेट कम होगा उसे. नहीं वो डायरेक्ट परचेस के लिए बताया. अच्छा बीड के लिए नहीं, बीड में कोई भी भर सकता है. जिसका अमाउंट कम होगा फिर उसे जो सबसे कम अमाउंट होगा उसको मिल जाएगा. थैंक यू. चलिए बोलिए. और सर किसी का कोई डाउट्स? ठीक है एक बार चैट बॉक्स है. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लिस्टेड ऑन जीएम, नॉट लिस्टेड ऑन जीएम. ओके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हाउ कैन आई लिस्टेड. ठीक है मैं आपको इसका तरीका बता सकता हूँ सर. कौन है ये? पर ये 100% नहीं है सौरभ सर कि आपको ये प्रोडक्ट लिस्टिंग होगा ही होगा. मैं आपका इसका प्रोसेस जरूर बताऊंगा पर ये आएगा इसका कोई मैं नहीं बोल सकता सर. प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए ही मेरा क्वेश्चन है. जैसे अभी आपने बोला कि 100% आएगा या नहीं आएगा. बिफोर सर हमारे भी कुछ फर्नीचर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि उसका क्राइटेरिया जेम के थ्रू फुलफिल नहीं हो रहा, लाइक विद आर्मरेस्ट और विदाउट आर्मरेस्ट. बराबर बराबर. तो सर अब अगर हमारा प्रोडक्ट इज विदाउट आर्मरेस्ट और अगर इंस्टीट्यूशन का डिमांड है तो फिर वो प्रोडक्ट कैसे लिस्ट होगा? वो सर आप उनको बोलो कि कस्टम बिड बनाने के लिए सर डिमांड ऑलवेज कॉस्ट ऑलवेज वो कस्टम बिड में ही जाना पड़ेगा सर उसके लिए. हाँ ऑलवेज कस्टम. जब तक वो देखो यहाँ पे दो चीजें, आपका जो प्रोडक्ट है वो उसके कैटेगरी बनी हुई, मतलब जो चेयर है उसके कैटेगरी बनी हुई. प्रॉब्लम है आर्म की, बराबर है ना? हाँ सर. तो ये है कैटेगरी को अपग्रेड करवाना. कैटेगरी सिर्फ अपग्रेड हो रहा है, ये पॉसिबल है, करवा सकते हो जेम पे. तो सर ये सेलर एंड पे हो जाता है इजीली? हाँ ये सेलर एंड से हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा एक दो महीना पर हो जाता है, कैटेगरी अपग्रेड हो जाता है पर नया कैटेगरी नहीं बनता जाता. आपकी जो प्रॉब्लम है ये हो सकता है पर नया कैटेगरी, कोई नया कैटेगरी है ही नहीं मार्केट में तो थोड़ा मुश्किल होता है. पर कैटेगरी है उसको अपग्रेड करवाना है तो हो सकता है, और जब तक नहीं होता तब तक कस्टम बिड में चलता रहेगा. ओके सर कस्टम बिड का कोई लिमिट है ऐसा? लाइक कोई लिमिट नहीं है. कोई लिमिट नहीं है? नहीं. 10 रुपए का भी कस्टम बिड निकाल सकता है और 10,000 करोड़ का भी प्रोडक्ट का कस्टम बिड निकाल सकता है. ओके तो क्योंकि सर बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जो या तो कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो फिर वो मैंने तो देखो सर आपको बताया अभी, पहले भी बताया जेम पे 5% प्रोडक्ट भी नहीं है. और वो आ भी नहीं सकता. हाँ आ भी नहीं सकता सर. राइट. कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं. जितने प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट कितने हैं और एक पोर्टल में पूरा पूरा कवर करना बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता. इसलिए वो कभी भी पॉसिबल नहीं है सर. एक ही कस्टम बेड में मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ सकते हैं? आ सकते हैं. चेयर, टेबल, बेंच, सोफा, साथ में प्लग पिन, क्रिकेट का बैट, एक साथ भी बना सकते हो सर. बीओक्यू वाले में बनेंगे सारे? बीओक्यू वाले में भी आ सकता है और कस्टम बेड में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है. ओके क्लियर है. चलो एक लास्ट क्वेरी हम लोग लेते हैं, बाद में हम लोग नया सिलेबस चालू करते हैं. यहाँ पे आप लोग को जिनको पता है उनके लिए क्वेरी प्रॉपर हो जा रहा है, पर जिनको जेम के बारे में पता नहीं है शायद वो लोग बोर हो रहे हो जो हम सर क्या बता रहे हैं हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. तो सर एक क्वेरी है मोनिका मैडम का. डायरेक्ट परचेज सर, फॉर डायरेक्ट परचेज प्लीज टेल मी हाउ टू मेक कैटलॉग फॉर रिसेलर.
हाँ ये आगे हम लोग कवर करेंगे मैडम, वन बाय वन सभी चीजें कवर करेंगे, सिर्फ मैं यहाँ पे डाउट्स के सेशन ले रहा था ताकि आप लोगों को थोड़े बहुत यदि कोई डाउट्स है तो आप बेसिक वे से हम लोग कैसे उसको सिर्फ क्लियर कर दें, ताकि आपकी जेब में प्रॉब्लम आ रही थी और वो नॉर्मली उसका एक सॉल्यूशन मिल जाए, इसलिए हम लोग एक डाउट्स का सेशन रख रहे थे। अभी हम इसके आगे पूरे डिटेल्स में ही पढ़ाएंगे, सब चीज एक एक करके बताएंगे, जहां पे आपके सभी प्रॉब्लम वन बाय वन सॉर्ट आउट होता जाए, चलेगा? तो फिर हम लोग सिलेबस का पार्ट चालू कर सकते करेंगे।